कहते हैं ना कि शैतान भी अगर कोई अच्छी बात करे तो उससे ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुनाफिक करे तो वो नहीं लेनी चाहिए। बात करने वाला खुद उसका कद कितना ऊंचा है। इन 6 जजेस का जो खत है उसमें जो इल्जामात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, बल्कि शर्मनाक हैं। गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं साइफर के मामले में, जिस तरीके से वो इमरान खान को रिलीफ दे चुके हैं, जिन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बेसिकली वो दुनिया की टॉप 10 एजेंसियों के अंदर उनका नाम आता है, लेकिन जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो खुद बेसिकली 130 नंबर पर खड़े हैं। आप और मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अदालतों के अंदर किस तरीके से सियासी वाबस्तगियों के बिना पर केसेस का फैसला किया जाता है। 25-25, 30-30 जमानतें एक दिन के अंदर देनी हो किसी शख्स को, गुड टू सी यू कौन भूल सकता है, कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक साल तक ये जजेस क्यों खामोश रहे कि एजेंसीज के लोग मुदाखलत कर रहे हैं वहाँ पर, वो तोहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते। पाकिस्तान की अफवाज दूसरे मुल्कों में जाके अपने दुश्मनों को टारगेट कर रही हैं, आप और उनसे क्या तवक्का करें। वो अपने मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जाके भी दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर रहे हैं। जहां तक शाहजेब का कत्ल केस था, वहां पर आपने मुजरमों को जिस तरीके से आपने छूट दी, जिस तरह से बिजली चोरों के हवाले से आप लोगों का नरम गोशा रहा है, ऐसी बातें। फिर मिलिट्री कोर्ट जो है वो बनाई गई इसी वजह से कि आप अदालतें अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही थी, क्योंकि इस मुल्क में जाहिर सी बात है बड़ा आसान है एजेंसियों के खिलाफ बात कर देना, साबित करना या न करना बात की बात है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड हो जाता है उसका तो नुकसान होता है ना। अगर आपकी सियासी वाबस्तगियां नहीं होती, अगर आपके मामलात भी सियासी लोगों के साथ तय नहीं होते, मुझे तो पता है कि हमारी एजेंसी जिस तरीके से जुग्राफियाई लिहाज से भी और नजरियाती लिहाज से भी पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, हमारे शहदा अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने मशरकी मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर दहशतगर्दों को इस मुल्क में दाखिल होने से रोका हुआ है, फिर एक तरफ ईरान का बॉर्डर भी इस वक्त जो है ना वो एक्टिव बॉर्डर हुआ हुआ है, वहां से भी दहशतगर्दियों की कार्रवाइयां हो रही हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर हम लोग दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं, इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। फिर हमारी एजेंसी, मैं बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी एजेंसी कितने महाज के ऊपर काम कर रही है। आप नोटिस जारी करें, आप अपनी कोर्ट्स के अंदर उन लोगों को तलब करें, इस तरह का खत लिखना जाहिर सी बात है शक व शुबहात तो पैदा होते हैं। मतलब एक जज है उसकी तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी और उनके आप असासे देखें अरबों रुपए के असासे, लेकिन ये कौम को फैसला करना होगा, बल्कि कौम फैसला कर चुकी है। मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूँ। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की अदालतें हैं, मेरे मुल्क के इदारे हैं, मेरे मुल्क की पार्लियामेंट है, मेरे मुल्क की पुलिस है, मेरे मुल्क की एजेंसीज हैं, ये सब कुछ जब मेरे मुल्क का है तो फिर मैं इनके खिलाफ बात करते हुए जाहिर सी बातें तकलीफ तो महसूस करूँगा, लेकिन अगर आप महाज खड़ा करेंगे तो जाहिर सी बातें फिर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर लोगों के सामने हकायक रखेंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी कारकर्दगी, आपका अपना किरदार मशकूक होगा और फिर आप उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरीके से एजेंसीज के ऊपर भोंडे इल्जाम लगाएंगे, मनगढ़ंत इल्जाम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमने तो आके दिफा करना है। अगर कल को अदालतों के ऊपर भी कोई मनगढ़ंत इल्जाम लगाएगा फिर हम खड़े होंगे अदालतों के साथ। अदालतों के जजेस का अपना किरदार मशकूक हो तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको वहां पर जवाब देना बनता है और आपको जवाब देना होगा।